हमारी जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फोस्फेट से बनी होती हैं, ठीक है? कैल्शियम फोस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली आपको किससे मिलता है? आपको फूड से मिलता है, जो भी आप ईट करते हैं, बेसिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, जो भी आप ईट करते हैं उससे आपको क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फोस्फेट। और वो आपको किसमें हेल्प करती हैं? आपकी हड्डियां बनने में, मीन्स आपकी बोन्स किससे बनी होती हैं? कैल्शियम फोस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर थोड़ा सा भी गिर जाए उनकी बोन फ्रैक्चर हो जाता है, उनको ब्रेक हो जाती है। अब उससे कैसे बच सकते हैं आप? उसके लिए आपको क्या ईट करना है? कैल्शियम मतलब मिल्क पीना है, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी। विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है। अगर आप ये चीजें अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं तो आपकी बोन्स कभी भी फ्रैक्चर नहीं होंगी, आपके मीन्स हड्डियां नहीं टूटेंगी। सो बेसिकली इससे दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, बोन्स बेसिकली किससे बनी होती हैं? कैल्शियम फोस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड इज कैल्शियम, ओ सॉरी, हमारी जो बोन्स हैं उनको स्ट्रांग कौन बनाता है? हमारी बोन्स को स्ट्रांग कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी बनाता है बेसिकली। इस स्लाइड में तो आपको बस यही लर्न करना है कि बोन्स बेसिकली बनी किससे होती हैं और बोन्स को स्ट्रोंगर कौन करता है। नेक्स्ट इज इस स्लाइड में देखिए आपको कुछ मूवमेंट्स दिखाई दे रही होंगी, लाइक आपकी नेक मूव करती है। मींस आपने कभी यहाँ से अपने स्कल को मूव किया है? मींस आपका हेड कभी मूव कर सकता है यहाँ से? नहीं, ठीक है? तो आपका बेसिकली नेक मूव करता है, शोल्डर मूव करते हैं, एल्बो मूव करती है, हैंड्स मूव करते हैं, फिंगर्स मूव करते हैं, आपके हिप क्रेडल पैल्विक मूव करता है, नी मूव करती है, टॉस करते हैं, ओ सॉरी, एंकल करते हैं, टॉस करते हैं। तो बेसिकली ये आपके बॉडी के मूवमेंट्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं चलने में, उठने में, बैठने में, मूव करने में। तो हम इन जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जॉइंट्स हैं जहाँ से भी आप मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी को, दैट इज कॉल्ड योर जॉइंट। नेक्स्ट हमने जो करना है, जस्ट अ मिनट कृतिक, आई विल टेक योर डाउट्स इन द लास्ट 10 मिनट्स, ओके? वेट फॉर अ मिनट। यस, नेक्स्ट हमने किया था, हमारी बॉडी में कुछ कनेक्टिविटी टिश्यूज होते हैं लाइक लीगामेंट्स एंड टेंडन्स। लीगामेंट्स आपके क्या करते हैं? बोन को बोन से आपस में कनेक्ट कराते हैं। एंड टेंडन्स आपके बोन्स को मसल से कनेक्ट कराते हैं, ठीक है? ये आप लर्न कर लीजिएगा। जो लीगामेंट होता है मींस, अब हमारी बॉडी में कोई फेविकॉल तो नहीं है, ये एक कनेक्टिविटी टिश्यू है जो हमारी एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कराता है। तो बोन, एक बोन दूसरी बोन से किससे कनेक्टेड होती है? थ्रू द लीगामेंट। एंड टेंडन्स ये हम लास्ट में भी करेंगे मस्कुलर सिस्टम में, अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जो टेंडन्स होते हैं वो आपके बॉडी में मसल्स और बोन्स को कनेक्ट कराते हैं, ठीक है? लीगामेंट्स किसको कराते हैं? बोन को बोन के साथ, और टेंडन्स बोन्स एंड मसल्स को कनेक्ट कराते हैं। नेक्स्ट हम कुछ मेजर पार्ट्स करेंगे बोन्स के, लाइक आपकी स्कल है जैसे, ठीक है? अब देखिए स्कल क्या है, नेक से जितना भी आपका अपर पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है? स्कल बोला जाता है। अब स्कल में आपका देखिए हेड भी होता है और आपके फेशियल बोन्स भी होते हैं। अब फेशियल बोन्स में आपका देखिए अपर जाओ होता है ये, और लोअर जाओ होता है ये। अपर जाओ तो आपका बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। क्या आपने नोज को आप मूव कर सकते हैं? अपने हेड को मूव कर सकते हैं? नो, ये क्या है आपका, बिल्कुल भी मूव नहीं करता। बट आपका लोअर जाओ आप बोल सकते हैं, आप ईट कर सकते हैं, ये क्या है आपका, मूवेबल पार्ट है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्कल का फंक्शन है, स्कल आपकी हार्डेस्ट बोन है आपके बॉडी की। स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है बेसिकली। आपका जो ब्रेन है वो कौन प्रोटेक्ट करता है? इसको स्कल प्रोटेक्ट करती है। आपके जो सिर की बोन होती हैं वो 8 होती हैं, 8 क्रैनियल बोन्स एंड 14 फेशियल बोन्स। मीन्स फेस की कितनी होती हैं? 14, और हेड की कितनी होती हैं? 8। और टोटल स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स। ये बिल्कुल इजी है लर्न करना, आपके स्कल में 22 बोन्स होती हैं। देन वर्टिब्रे, मैंने आपको नर्वस सिस्टम में बताया था स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड यहाँ होता है,
स्पाइनल कोड से आपकी हर एक नर्व पास कर रही है, ठीक है। अब इस स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करता है? इस स्पाइनल कोड को आपकी बैकबोन प्रोटेक्ट करती है। देखिए नेक्स्ट में, आपकी जो स्पाइनल कोड है उसको ये बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट सुनिए, जो आपकी ये बैकबोन है ये स्मॉल स्मॉल 33 बोन्स से मिलके बनी है, मीन्स 33 वर्टिब्रे से मिलके आपकी ये पूरी स्पाइनल कोड तैयार हुई है, ठीक है, जो बैकबोन बोलते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। अब बैकबोन क्या करती है? एक तो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है बैकबोन, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम। अगर वर्टिब्रल कॉलम आप कहीं भी लिखा हुआ देख रहे हैं उसका मतलब है बैकबोन, ओके। आपकी जो बैकबोन है उसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। बैकबोन 33 स्मॉल बोन से मिलके बनती है, और बैकबोन आपकी मींस वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। आपकी जितनी भी नर्व्स हैं वो स्पाइनल कोड से होके ही जा रही हैं। नेक्स्ट इज योर रिब केज। रिब केज 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपके हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। मीन्स आपके हार्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो या लंग्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या है आपके पास? रिब केज है। ये सर्कुलर बोन्स हैं आपकी चेस्ट में। अब देखिए, दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इन 7 रिब्स को क्या बोला जाता है? ट्रू रिब्स बोला जाता है। मीन्स इनका नेम है ये बेसिकली ट्रू रिब्स। अपर 7 आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। नेक्स्ट 1, 2 एंड 3, दीज 3 बोन्स आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। इनको क्या बोला जाता है? फॉल्स रिब बोला जाता है। और देखिए ये स्टेरनम से कनेक्टेड है, ट्रू एंड फॉल्स रिब्स। बट जो फ्लोटिंग रिब है, मीन्स ये वाली और ये वाली रिब, देखिए बिल्कुल भी स्टेरनम से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। अब ध्यान से देखिए, अगेन जो फर्स्ट 7 रिब्स हैं वो ट्रू रिब्स हैं, जो डाउन 3 हैं वो फॉल्स रिब्स हैं, और जो लोअर मोस्ट हैं वो टू रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ये टोटल कितनी हो गई? 12। तो 12 पेयर ऑफ रिब्स के आपको क्या बोला जाता है? रिब केज बोला जाता है। मीन्स आपके रिब केज में 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। नेक्स्ट इज योर लिम्स। लिम्स आपका बेसिकली अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स हैं। देखिए, आपके शोल्डर गिर्डल को और हिप गिर्डल को क्या बोला जाता है? लिम्स। अब जो शोल्डर हैं उनको अपर लिम्स बोला जाता है, और जो आपकी लेग्स हैं मीन्स हिप्स हैं उनको लोअर लिम्स बोला जाता है। आपके लेफ्ट आर्म में कितनी होती हैं? 30 होती हैं बोन्स, एंड राइट आर्म में भी कितनी होती हैं? 30। तो टोटल अपर लिम्स में कितनी बोन्स हुई? 60। नेक्स्ट इज योर लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में देखिए, लेफ्ट में आपके कितनी बोन्स हैं? टोटल 30, और इस बोन में भी, राइट में भी कितनी है? 30। टोटल कितनी बोन्स हुई इसमें? 60। और आपकी अगर लिम्स पूछा जाए टोटल तो 120। फिर से देखना ध्यान से, आपकी जो लिम्स हैं वो लोअर और अपर होती है। अपर आपके शोल्डर्स हैं, आपके 2 शोल्डर हैं और 2 ही लेग्स हैं। तो लेफ्ट में कितनी है? 30, और राइट में कितनी है? 30। तो टोटल कितनी हुई? 60 अपर में, और आपके ऐसे ही लेफ्ट लेग में 30 और राइट में 30। टोटल कितनी हुई? 60, ठीक है। अब इसमें बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपकी जो अपर आर्म होती है उसको ह्यूमरस बोला जाता है, जो लोअर एंड फ्रंट में आर्म होती है उसकी मीन्स बोन को रेडियस बोला जाता है, जो लोअर में होती है दैट इज कॉल्ड अल्ना, दिस बोन इज कॉल्ड फेम्यूर, ये लॉन्गेस्ट बोन भी है आपकी, दिस बोन इज सर्कुलर बोन इज कॉल्ड पेटीला, दिस इज कॉल्ड टीबिया, दिस इज कॉल्ड फेब्यूला। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे लोअर लिम्स में कौन सी बोन्स हैं और अपर में कौन सी बोन्स हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें जॉइंट्स है। बेसिकली अभी तक का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो जॉइंट्स है। व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स उनको बोला जाता है, एक पॉइंट होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा बोन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। मीन्स हमारे स्केलेटल सिस्टम में जहाँ भी 2 से ज्यादा बोन्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं जिस प्लेस पे, उस प्लेस को जॉइंट बोला जाता है। अब बोन्स मैंने बताया था आपको, बोन्स आपस में किससे कनेक्टेड होती हैं? लीगामेंट से। अब जॉइंट्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि जॉइंट 4 टाइप्स के होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जॉइंट सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल।
इमूवेबल पॉइंट्स आपके जॉइंट्स हैं जो स्कल है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या आप अपने सिर को, अपर साइड को, नोज को, आप आईज के से अपर पार्ट को हिला सकते हैं अपने विश से? नो, वो क्या है आपका, इमूवेबल जॉइंट है, रिब केज है आपकी, जहाँ आपका हार्ट है वहां से आप अपनी विश से हिला सकते हैं अपने रिब केज को? नहीं, ये क्या है आपके, इमूवेबल जॉइंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए मूवेबल जॉइंट्स के कितने पार्ट्स हैं, तो मूवेबल जॉइंट्स के 4 पार्ट्स हैं, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। अब देखिए, इसमें जो ग्लाइडिंग जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो थोड़े से सिमिलर हैं एक दूसरे से, इनके बस बोन्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस है, वैसे इनके फंक्शन सेम ही हैं। अब देखिएगा ध्यान से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट सेम ही हैं। अब देखिए हिंज जॉइंट, व्हाट इज हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट मींस होता है अपवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे आपकी एल्बो है, अपनी एल्बो को मूव करके देखिए, आपके एल्बो एक डोर की तरह ओपन होती है, जैसे आपका डोर ओपन होता है उस तरह से आपका एल्बो और नी आपकी मूव होती है। अपनी फिंगर्स को मूव करके देखिए, आपके फिंगर्स भी ऐसे ही अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यस, जैसे देवेंद्र कर रहा है, वेरी गुड। ऐसे ही आपकी आर्म भी ऐसे ही मूव होती है, ठीक है। तो ये क्या है, हिंज जॉइंट है। जितने भी जॉइंट्स आपके डोर की तरह ओपन होते हैं, मींस फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, उन जॉइंट्स को क्या बोला जाता है, हिंज जॉइंट बोला जाता है। देखिए एल्बो में आपके हिंज जॉइंट होता है, नी में आपके मींस हिंज जॉइंट होता है, आपके फिंगर्स में, आपके टोज में भी हिंज जॉइंट होता है। नेक्स्ट इज पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट देखिए इसी से ही क्लियर हो रहा है, पाइवोट जॉइंट आपके नेक में होता है। आपका नेक सेमी सर्कल मूव कर सकता है, आप उसको लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, पर आप इसको पूरा सर्कुलर नहीं कर सकते। क्या अगर आपके पीछे कोई है, क्या आप अपनी गर्दन को पीछे लगा सकते हैं, फेस को अपना बिल्कुल पीछे लगा सकते हैं? नहीं, आप मींस क्या करेंगे, आपकी बॉडी को पूरा रोटेट करना पड़ेगा ना। बस पाइवोट जॉइंट का यही डिफरेंस है, पाइवोट जॉइंट एक तो सेमी सर्कल मूव करता है, लेफ्ट एंड राइट और अप एंड डाउन मूव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट सेम है। अब इसमें देखिए सिर्फ बोन्स के अरेंजमेंट का डिफरेंस है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक तो एम्प्टी जो बोन है, ठीक है, ये बिल्कुल खाली बोन है, इसके अंदर एक बॉल फिट है, ठीक है, और ये बॉल क्या करती है, आपको पूरा सर्कुलर मूव करने में हेल्प करती है। जैसे आपका शोल्डर है, आपका शोल्डर पूरा मूव कर सकता है ना, टोटली पूरी फुल रोटेशन से। आपके जो लेग्स हैं, हिप्स हैं, वो प्रॉपर पूरी रोटेशन मूव कर सकते हैं ना, वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। देखिए बॉल एंड सॉकेट से ही क्लियर हो रहा है, बॉल और सॉकेट मीन्स एक खाली बोन, एक एम्प्टी बोन के अंदर एक बॉल होती है जो आपको फुल रोटेशन प्रोवाइड करती है, ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करती है, और ये आपका शोल्डर और हिप्स में होता है, ठीक है, शोल्डर और हिप जॉइंट में। नेक्स्ट इज योर ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट भी आपको देखिए अप एंड डाउन, मीन्स आपकी जो हैंड्स हैं, अपने हैंड्स को मूव करके देखिए, अप एंड डाउन रोटेशन भी फुल हो जाती है आपके हैंड्स की। तो ये क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बॉल एंड सॉकेट से एक डिफरेंस है कि ये जो बोन है ये आपस में बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ ना तो कोई खाली बोन है और ना ही कोई बॉल है, यहाँ पे एक बोन दूसरी बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए इस तरह से, दिस इज कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट। दोबारा फिर से सुनिए जॉइंट्स, मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। व्हाट आर जॉइंट्स, जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर कनेक्टेड, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स कनेक्टेड होती हैं। जॉइंट्स टू टाइप्स के होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल जॉइंट वो होते हैं जिनको आप अपनी विश से मूव कर सकते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जिनको आप मूव कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, मूवेबल जॉइंट के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए हिंज जॉइंट जो डोर की तरह ओपन एंड क्लोज होता है, जैसे आपकी एल्बो हो गई, आपकी नी हो गई, आपके फिंगर्स हो गई, आपके टोज हो गई, ये क्या है, हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट को आप अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट और सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कल में भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ही एग्जाम्पल है पाइवोट जॉइंट का, सिर्फ आपके नेक।
नेक्स्ट इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट से ही क्लियर हो रहा है, एक बॉल होती है और एक खाली बोन होती है जिसके अंदर ये बॉल फिट होती है, और इस बॉल के फिट होने से आपकी जो शोल्डर और हिप्स हैं उनको पूरी रोटेशन मिल जाती है, फुल रोटेशन, आप प्रॉपरली मूव कर सकते हैं अपने शोल्डर्स को, ठीक है, और आप हिप्स को अपने प्रॉपरली मूव कर सकते हैं। ग्लाइंडिंग जॉइंट है तो सेम ही, रोटेशन आप फुल दे सकते हैं इसको, पर इसमें क्या है, बोन्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, मीन्स ये आपकी बोन, एक बोन दूसरे बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, और इसमें भी आपकी रोटेशन फुल है, और ये आपके एंकल में होता है, आपके रिस्ट में होता है। मैं फिर से एक बार क्लियर कर रही हूँ जो हमने स्टार्टिंग से किया, और बेटा इसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगी, ध्यान से सुनिएगा, और ये बिल्कुल ईजी है। देखिए हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम किससे बना है, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन्स होते हैं। नेक्स्ट इज हमने कुछ बोन्स के नेम्स लर्न किए थे, ये आपको लर्न करने हैं, लर्न हो गए होंगे ये शायद आपको। नेक्स्ट इज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स होते हैं, अपेंडिकुलर में 126। नेक्स्ट इज बोन्स आपको फ्रेमवर्क, स्पोर्ट, शेप, उठने बैठने में, डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और आपको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज हमारी बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट बोन होती है, एयर पॉकेट्स होते हैं, कार्टिलेज होता है। बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूस करता है, ब्लड वेसल्स ब्लड को फ्लो कराते हैं, कार्टिलेज मीन्स कनेक्ट कराते हैं बोन को बोन से, एयर पॉकेट्स आपके वेट को लाइटर बनाती हैं। नेक्स्ट इज आर्टरीज और वेन्स करी थी हमने, ब्लड वेसल्स में आपकी आर्टरीज और वेन्स होती हैं। आर्टरीज रेड कलर की नसें होती हैं, वेन्स ग्रीन कलर की होती हैं, जो कि आपको अपनी बॉडी में दिखाई देती हैं। रेड कलर की जो नसें होती हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, वेन्स आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं। नेक्स्ट इज बोन मैरो, बोन मैरो टू टाइप्स के सेल क्रिएट करता है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का वर्किंग क्या है, ऑक्सीजन को पास कराना। हेमोग्लोबिन होता है इसके अंदर जो कि रेड कलर का, रेड कलर प्रोवाइड करता है रेड ब्लड सेल्स को, और ऑक्सीजन को फ्लो कराता है। रेड ब्लड सेल्स हर 100 से 120 डेज के बाद डेड हो जाते हैं और न्यू जनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स, अगर आपकी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होंगे तो आप वायरस से इजीली लड़ सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस है उससे लड़ने के लिए क्या चाहिए, वाइट ब्लड सेल्स चाहिए, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली बैक्टीरिया, वायरस, इन्वेडर्स, जो भी बाहर से कोई भी जर्म्स, उनसे लड़ने के लिए आपको वाइट ब्लड सेल्स चाहिए आपकी बॉडी में, जो कि हर 13 से 20 डेज के बाद रिप्लेस हो जाते हैं, न्यू बनते रहते हैं। नेक्स्ट हमने किया, जो कि हमने आज किया है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, ठीक है, और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्गर कौन बनाता है, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन डी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था कुछ मूवमेंट्स, जैसे हमारी नेक मूव कर सकती है, शोल्डर मूव कर सकता है, एल्बो मूव कर सकती है, हैंड मूव कर सकता है, फिंगर, योर स्पाइन, योर हिप कैडल, योर नी, योर फुट, इसी में देखिए हम जॉइंट्स देखते हैं। ये जॉइंट कौन सा होता है आपका नेक का, पाइवोट जॉइंट, जिसको आप सेमी सर्कल मूव कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन। नेक्स्ट इज दिस जॉइंट, एल्बो एंड योर नी, ये दोनों सेम जॉइंट है, और आपके फिंगर्स के भी बेसिकली। ये जॉइंट आपके अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर सकते हैं, ये कौन सा जॉइंट है, हिंग जॉइंट है बेसिकली। नेक्स्ट इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका देखिए शोल्डर में होता है, जो कि आपको शोल्डर और आपके हिप्स को प्रॉपर रोटेशन देता है, ठीक है। एक बॉल होती है और एक खाली बोन होती है जिसके अंदर ये फिट होती है। नेक्स्ट इज योर ग्लाइंडिंग जॉइंट, ग्लाइंडिंग जॉइंट आपके हैंड्स में होते हैं, हैंड्स में होते हैं, और सेम एज इट इज एंकल्स में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमने किया था कुछ पार्ट्स किए थे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हमारी बोन्स के हैं। बेसिकली देखिए जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट कराता है। नेक्स्ट हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर बोन करी थी वो स्कल थी। स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्कल में 22 बोन्स होती हैं टोटल। नेक्स्ट इज योर बैकबोन, बैकबोन आपकी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है, बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। बैकबोन में टोटल 33 बोन्स होती हैं, मीन्स 33 छोटी छोटी बोन्स से मिलके हमारी बैकबोन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमने किया था रिब केज,
रिब केज में आपके देखिए जो फर्स्ट 7 रिब्स होती हैं उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है, और रिब्स आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. फर्स्ट 7 ट्रू रिब्स, नेक्स्ट 3 आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स, एंड लास्ट 2 आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, जो हमारी स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते. नेक्स्ट हमने लिम्ब्स करे थे. आपकी अपर एंड लोअर लिम्ब्स में डिवाइडेड है लिम्ब्स, लाइक आपका शोल्डर में 30, एक शोल्डर में 30, एक शोल्डर में 30, मीन्स टोटल 60. आपके लेफ्ट लेफ्ट लेग में कितनी होती है 30, और राइट लेग में कितनी होती है 30, टोटल 60, और टोटल लिम्ब्स पूछी जाए तो 120 लिम्ब्स. नेक्स्ट हमने किया था जॉइंट्स. जॉइंट्स हमारे क्या होते हैं, जहाँ दो या दो से ज्यादा जॉइंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, अब जॉइंट्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल. इमूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जिनको आप मूव नहीं कर सकते, मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जिनको आप मूव कर सकते हैं. लाइक हिंग जॉइंट, जैसे कि आपको एल्बो और नी में होता है, पाइवोट जॉइंट आपकी नेक में होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके शोल्डर्स में होता है, नेक्स्ट ग्लाइंडिंग जॉइंट आपके हैंड्स और एंकल में होता है. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.